हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 80 के दशक में रातों रात स्टार बन गई अदाकारा सलमा आगा का बड़ा सच बताने जा रहे हैं। कैसे उनकी एक जिद ने उनका करियर और जिंदगी दोनों तबाह कर डाली थी। साल 1982 में एक फिल्म आई थी निकाह। उस फिल्म ने एक अदाकारा को रातों रात स्टार बना दिया था। वो कोई और नहीं, सलमा आगा है। पाकिस्तान के कराची शहर में 25 अक्टूबर 1956 को पैदा हुई सलमा बड़े रईस खानदान से हुआ करती थी। उनका परिवार लंदन में बसा हुआ था। ऐसे में सलमा की परवरिश भी लंदन में ही हुई थी। उनके पिता का नाम लियाकत गुल आगा था। कम ही लोगों को पता होगा कि अदाकारा का ताल्लुक कपूर खानदान से है। जी हाँ, उनके नाना जुगल किशोर राज कपूर के सगे मामा थे। इस तरह से सलमा की मां नसरीन और राज कपूर भाई बहन हुआ करते थे। लंदन में पढ़ी लिखी सलमा ब्रिटिश नागरिक हुआ करती थी। फिर वो बॉलीवुड में कैसे पहुंच गईं? इसके पीछे का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई तो राज कपूर ने दोनों का रिसेप्शन लंदन में देने का प्लान बनाया। पूरे बॉलीवुड से बड़े बड़े लोगों को दावत दी गई। इनमें बी आर चोपड़ा का भी नाम था। वहीं लंदन में ही रहने वाले सलमा के परिवार को भी निमंत्रण भेजा गया। पार्टी में राज कपूर और बी आर चोपड़ा आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बी आर चोपड़ा ने कहा कि वो अपनी फिल्म तलाक 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 के लिए एक नई मुस्लिम लड़की की तलाश कर रहे हैं। राज भी बोले कि वो भी हिना फिल्म बनाने वाले हैं, उनको भी किसी पाकिस्तानी लड़की की तलाश है। ये बातें वहीं पास में खड़ी सलमा आगा ने सुन ली। वो हीरोइन तो बनना चाहती थी। ऐसे में कुछ दिन बाद उन्होंने राज से बात की, मगर राज कपूर दूसरी फिल्म में बिजी हो गए थे। ऐसे में सलमा लंदन से मुंबई आ गई और सीधा बी आर चोपड़ा के पास पहुंच गई। उनकी बिल्लोरी आंखें और खूबसूरती चोपड़ा जी को भा गई। उन्होंने फिल्म तलाक 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 में सलमा को हीरोइन बना लिया। बाद में फिल्म का नाम बदलकर निकाह कर दिया गया था। साल 1982 में आई फिल्म में दीपक पराशर, राज बब्बर के साथ सलमा आगा ने कमाल कर दिया। पहली ही फिल्म ने सलमा को रातों रात वो कामयाबी दे दी जो सालों बाद भी ज्यादातर हीरोइनों को नसीब नहीं होती है। इसके बाद तो वो हिंदी सिनेमा में स्टार बन गईं। अदाकारा लंदन छोड़कर मुंबई में बस गईं। अब तो बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके घर के आगे घंटों लाइन लगाए रहते थे। दोस्तों, सलमा एक बड़ी स्टार होती, मगर उनकी एक जिद और इश्क के भूत ने उनका करियर और जिंदगी दोनों तबाह कर दिए। हुआ ये कि निकाह फिल्म में उन्होंने 3 गीत गाए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की ये आरजू थी और फिजा भी है जवां। तीनों गीत इतने मशहूर हो गए कि उस दौर में गली गली में गूंजा करते थे। अदाकारा को इनके लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड तक मिल गया। बस यही बात उनको बर्बाद कर गई। हुआ ये कि अपने गीत इतने सुपरहिट होते देख सलमा को प्लेबैक सिंगर बनने का भूत सवार हो गया। उनको लगा कि वो गायकी में लता और आशा जैसा नाम कमा लेंगी। इस वजह से फिल्मों को चुनने पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी अच्छी फिल्मों के रोल वो ठुकराने लग गई। यहाँ तक कि ब्लॉकबस्टर फिल्म हिना तक का रोल उनको ऑफर हुआ था, मगर गायक बनने की धुन में उन्होंने इस फिल्म के लिए भी ना कर दी थी। वहीं कुछ ऐसी फिल्में चुन ली जिन्होंने इनको डुबा डाला। इनमें बी सुभाष की फिल्म कसम पैदा करने वाले की भी थी। डिस्को डांसर जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले बी सुभाष ने सलमा को निकाह फिल्म से एकदम विपरीत किरदार दे दिया। सीधी सादी मुस्लिम लड़की वाली छवि के उलट उनका अंग्रेजी लुक दर्शकों को बिल्कुल नहीं भाया। ऐसे में वो लोगों के दिलों से उतर गई। इसके बाद ऊंचे लोग और सलमा भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सलमा आगा इसी दौरान अमेरिका के मुस्लिम व्यापारी महमूद सिप्रा के प्यार में पड़ गईं। महमूद ने सलमा के करीब आने के लिए
तीन फिल्में उनको लेकर बनानी शुरू कर दी, बेगम, बेबसी और साहिबा। मगर जल्द ही महमूद का इश्क का बुखार उतर गया और उन्होंने तीनों फिल्में ही बंद कर दी। वो अभिनेत्री से संबंध तोड़कर वापस अमेरिका खिसक लिए। इधर बॉलीवुड के फिल्म मेकर को भी लगा कि सलमा एक्टिंग करियर के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं है, ऐसे में उन लोगों ने भी सलमा से किनारा कर लिया। डूबते करियर को बचाने के लिए वो सी ग्रेड फिल्में करने लगी और जमकर अंग प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, मगर ये तरकीब भी उनका डूबता करियर नहीं बचा पाई। भारत में करियर तबाह हो गया तो वो पाकिस्तान पहुंच गईं। यहां उनका अफेयर पाक अभिनेता जावेद शेख से हो गया। दोनों ने 1980 में निकाह कर लिया और अदाकारा पड़ोसी मुल्क में सिंगिंग और एक्टिंग करने लगी, मगर वहां भी उनका करियर और रिश्ता नहीं चला। दोनों का 1989 में तलाक हो गया। इसी बीच उनकी मां ने अभिनेत्री का निकाह लंदन में पड़ोस में रहने वाले युवक रहमत खान से करवा दिया। बाद में दोनों के दो बच्चे हुए, साशा और लियाकत अली। इनका निकाह भी 10 साल चला और दोनों अलग हो गए। 55 साल की उम्र में सलमा आगा का दिल दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह पर आ गया। साल 2011 में अदाकारा ने तीसरा निकाह कर लिया। फिलहाल वो मुंबई में ही रहती हैं और पति दुबई में, मगर दोनों का मिलना जुलना रहता है। 66 साल की सलमा आगा अब खुद फिल्म मेकर बन गई हैं। हालांकि वो छोटे बजट की फिल्में बनाया करती हैं और अपने दोनों बच्चों के साथ ही रहती हैं। उनकी बेटी साशा आगा भी बॉलीवुड में आ चुकी हैं। दोस्तों, आपको सलमा आगा की कोई फिल्म या किरदार याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।